वृंदावन ग्राम पंचायत के अधीन मथुरा में चारागाह भूमि का विकास किया जाएगा। मनरेगा के तहत विकसित किए जाने वाले इस भूमि पर 20 लाख रुपए से अधिक का खर्च आएगा और इससे 800 से अधिक मानव दिवसों का सृजन होगा। इस कार्य के पूरा हो जाने से लगभग 200 लोगों को लाभ मिलेगा। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त उदित प्रकाश राय ने कल इसका उद्घाटन किया। मनरेगा के तहत दक्षिण अंडमान जिले में अब तक का ये सबसे बड़ा कार्य होगा। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष जयदीप कुमार डे के अलावा ग्राम प्रधान श्यामल जयधर और पंचायती राज संस्थाओं के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। बताया जाता है कि क्षेत्र में चारागाह की सुविधा उपलब्ध हो जाने से करीब दक्षिण अंडमान में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल पाएगा और इससे रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। उद्घाटन अवसर के दौरान उपायुक्त ने क्षेत्र के लोगों से अनुरोध किया कि वो सरकार की ओर से शुरू की जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आपका अपना गांव है, आपका अपना हाथ है, आपका अपना खाचू है, आपको करना है। ये आपका अपना काम है। नरेगा, मुझे ऐसा लगता है नरेगा से अच्छा स्कीम आज तक भारत सरकार नहीं बनाया। आपका अपना घर में आप काम कर रहा है, आप अपने हाथों से काम कर रहा है। आप जान रहे हैं कि ये जो काम करेगा ये आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई, इतना बढ़िया बड़ा काम प्रधान साहब आपको लेकर आया। प्रधान साहब को पूरा क्रेडिट है। हमारे नरेगा के जितने ऑफिशियल है, BDO, PO, GRS, पंचायत सेक्रेटरी, सबका क्रेडिट है कि इतना बड़ा काम आज के दिन इस गांव में आया। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने भी आपको बताया, अभी तक हम लोग नरेगा में कच्चा काम लेता था, डिग्गी बनाता था, कच्चा रोड बनाता था। तो अभी तक हमने सोचा है कि अब जो नरेगा में अच्छा चीज ये है कि नरेगा में सीधे भारत सरकार से पैसा आता है। यहाँ से अंडमान सरकार से अंडमान के थ्रू नहीं आता, सीधे भारत सरकार पैसा देता है। तो भारत सरकार के पास पैसे कमी नहीं, सीधे जब देता है वो तो बोलता है कि आप जितना काम जनरेट करेगा, जितना काम आप लेगा, उतना काम हम आपको और देगा, उतना पैसा और देगा। तो इसलिए हमारा अब जो है इंटरेस्ट है जैसा जो इस पर है कि आप जो भी काम हो वो पक्का काम हो, पक्का रोड बने, सीसी रोड बने, सीसी फुटपाथ बने, ये जैसा कुल्की शेड, ये काऊ का शेड, कम्युनिटी हॉल मेन लैंड में। तो मैं ये बता रहा था मेन लैंड में नरेगा में बड़ा बड़ा ब्रिज बना रहा है और हम लोग अभी भी डिग्गी खोद रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग का जरूरत है कि हम लोग भी अब बड़ा सोचे। बहुत बड़ा सौतन अमन का जैसा पिछले सुना, ये वर्ष जो है 20 लाख का है, सौतन 20 लाख किलर का है, अब वो 20-25 लाख। तो ये जो सौतन अमन का सबसे बड़ा वर्ष है और हमारा स्पष्ट बात ये है कि हमारा पार्टी का यही मोटो है, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी की ये है प्रतांश है, जहाँ हमारी ये है, हम लोग करप्शन रहित और डेवलपमेंट के ऊपर नीति से ही काम कर रहे हैं। ये हमारा पहले मोटो रहता है और इसी के दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि आने के बाद में तेजी आई है। इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे प्यारे सिस्टम्स के तालमेल को बरकरार रखते हुए दोनों के सहयोग से हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो अभी एमजी नरेगा का काम है, ये काम कम्प्लीट होने के बाद नरेगा में यहाँ आपका जैसे ग्रेजिंग लैंड का ये है, तो इसमें जो है आपका नरेगा में आप इसके बाद में प्रपोजल में रखिए, जैसा आपका गाय का सेट होता है, पोल्ट्री सेट होता है, ये डेवलपमेंट करने का भी इसमें आपका नरेगा में लिया जा सकता है।